सबसे पहले हमें बैटर तैयार करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, इसी तरह से मोटे से वाले चावल आते हैं। देखिए इस चावल को लेना है। इडली बनाने के लिए ज़्यादा महंगे चावल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सस्ते में कहीं भी दुकान पर, कई परसों की दुकान पर आपको इस तरह से चावल मिल जाए। और कुछ उड़द दाल है, देखिए धुली वाली उड़द दाल है, इस दाल को लेना है। और हमें मेथी दाना चाहिए। पहले से हम इस कप के मदद से 3 कप चावल ले लिया और 1 कप दाल ले लिया। देखिए दोस्तों, हम पहले से भिगो के रख दिया, देखिए, और कुछ मेथी के दाना डाल के भिगो दिया दाल के अंदर, मेथी के दाना डाल के। देखिए दोस्तों, देखिए इसी तरह से हम भिगो के रखे 5 घंटे के लिए। देखिए ये हमारा उड़द दाल है और ये हमारा चावल है भिगोई। हम 2-3 बार धो के जब भिगो के रख दिया, देखिए दोस्तों अच्छी तरह से फूल गया है। देखिए अब हम और धो के इसका पानी निकाल देंगे, निकाल के अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम धो के साफ करके ले आए। अब हम मिक्सर जार ले लेते हैं। पहले हम दाल को पीसेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पेस्ट बना लिया दाल का। अब एक बाउल ले लेते हैं, इसमें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम चावल भी पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने चावल भी पीस के रेडी कर लिया। अब हम निकाल लेते हैं चावलों को। ज़्यादा महीन मत पीसिए, थोड़ा सा तड़का रखिए, इससे इडली बहुत अच्छा बनता है। अब हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम इसको ढक के बंद कर देंगे, ढक्कन लगा के बंद करके रख देंगे। इसी तरह से इसको कबाड़ करके कहीं गर्म जगह पे रख देंगे। अब गर्मी का मौसम है, हम पूरी रात के लिए रख देंगे। अगर आप सर्दी में बना रहे हैं तो अब पूरी 24 घंटा रखना पड़ेगा, तभी आपका बैटर बढ़िया बनेगा। अब हम तौलिया पे लपट के आटे के डिब्बे पे, नहीं तो आप अलमारी में भी रख सकते हैं। फिर 12 घंटा बाद आपको दिखाते हैं कैसे हमारा बैटर रेडी हुआ है। चलिए दोस्तों, इडली के लिए हम सांभर बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, उड़द का दाल है जो हम 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया, अब अच्छी तरह से धो के पानी निकाल लिया। अब हम एक कुकर ले लेंगे, अब कुकर के अंदर डाल देंगे। अब हमने कुछ सब्जी काट के ले लिया। लौकी है थोड़ी सी, 2 आलू है, थोड़ी सी काशी फल है और 1 बैंगन है। आपके पास जो सब्जी अवेलेबल है आप वो ले लीजिए, मेरे पास ये है तो मैं इसी से ही बना रही हूँ। सारे चीज़ इसमें, सब्जी को इस दाल के अंदर डाल देंगे। अब हम पानी मिलाएंगे। अब हम नमक और हल्दी पाउडर डाल के 3 सीटी लगाएंगे। चलिए दोस्तों, हमारा 3 सीटी आ गया। जब तक हमारा कुकर ठंडा हो गया तब तक हम तड़का रेडी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। अब ऑयल डाल देते हैं, बड़े 2 चम्मच। चलिए दोस्तों, ऑयल हमारा गर्म हो गया। 1/2 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे, चटकने देंगे। 1/2 चम्मच मेथी दाना डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 पिंच हींग डालेंगे, हींग का जरूर डालिए, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सांभर में। अब हम 2 करी पत्ता दीजिए। इसी तरह से हम 1 प्याज काट के लिया, वो डाल देते हैं। हमने लंबे साइज में काट लिया, आप अपने हिसाब से काटिए। थोड़ी देर अब 2-3 हरी मिर्च काट के लंबे लंबे करके डाल देंगे, वो अपने ऊपर है। अब डालना चाहे तो डाले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। पहले भी हम नमक डाल चुके हैं, इसलिए अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर अब हम मिला देते हैं अच्छी तरह से। लाल मिर्च लिया है, आपके पास जो मिर्च है उसी को डालिए, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। 1 चम्मच सांभर का मसाला, सांभर का मजा इसी मसाले में, हम 2 चम्मच डाल दें। देखिए दोस्तों, तड़का हमारा रेडी है। अब हम दाल चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दाल भी हमारा रेडी है। देखिए कितना बढ़िया तरह से बन गई है। देखिए हमें ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है,
बहुत झटपट बन जाती है, कोई झमेला नहीं होती। अब इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं। अब हम तड़के पे डाल देंगे। चलिए दोस्तों इस दाल को तड़के में डाल देते हैं। अब हम मिला देंगे अच्छी तरह से। हमने गर्म पानी करके रखे, अब वो डाल देंगे। इसी पानी को कुकर में डाल के डाल देंगे। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर आया है। हम थोड़ी सी और पानी मिला लेते हैं, अभी गाढ़ा लग रहा है। समर गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है। अब हम इनको कुक होने देंगे 5 मिनट के लिए। इडली बैटर देख चेक कर लेते हैं कैसा बना है। 12 घंटा बाद हम चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा हो गया फूल के, और इसमें झाग कितना है देखिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसी देखिए देखिए दोस्तों ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम मिला लेते हैं। हमें ज़्यादा नहीं मिलाना क्योंकि हमारे जो झाग बनी है वो झाग हमें बरकरार रखना है, तभी हमारी इडली बढ़िया बनेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, मैंने एक राइस कुकर खरीदा था, उसी के अंदर ही हमारे जो इडली सांसे आए थे और ढोकला सांसे दोनों आए थे, मैं इसी के अंदर बनाऊंगी। आपके पास इडली सांसे है इसमें बनाइए। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के गर्म करने के लिए रख दूंगी। चलिए दोस्तों अब हम सब्जी चेक करते हैं। देखिए दोस्तों सब्जी हमारा अब बन चुका है। अब हम इमली का पानी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, ये ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको डाल के हम 2 मिनट और पका लेंगे। गुड़ डाल देंगे, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आता है। अब हमारा सब्जी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम सब्जी को बंद कर देते हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम ऊपर से थोड़ी सी हरा धनिया डाल देंगे। चलिए दोस्तों अब हम सास से रेडी करते हैं। थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे सब में, इसी ब्रश की मदद से। इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया। चलिए दोस्तों देखिए हमारा पानी भी गर्म हो गया। अब हम इसको डाल देते हैं 15 मिनट के लिए, हम पका लेंगे। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। मीडियम और हाई के बीच में रख दीजिए। चलिए दोस्तों 15 मिनट बाद हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों कितना फूल गया है। अब हम चाकू डाल के चेक करेंगे। देखिए दोस्तों पक गई है बिल्कुल। अब हम गैस को बंद करके ठंडा करेंगे। अब हम पानी में से निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हो गई है, बढ़िया फूल भी गई है। अब हम ठंडा करेंगे, अभी गर्म है, थोड़े 5 मिनट बाद हम आपको निकाल के दिखा देंगे। चलिए दोस्तों हमारा ठंडा हो गया, 5 मिनट बाद हम निकाल लेंगे। देखिए ये ज़्यादा बढ़ गया फूलने की वजह से, जो निशान हो गई है। अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने सारे निकाल लिया। देखिए कितनी जालीदार बनी है। देखिए इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। चलिए दोस्तों अब हम प्लेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों हमने प्लेट सजा लिया, इसी तरह से आप सजाइए। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल तैयार है हमारी इडली सांभर की रेसिपी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।